हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक प्रायोरिटी क्यू। इससे पहले मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक, स्टैक और क्यू का, ये लास्ट टॉपिक है मेरा, क्यू भी पूरी पढ़ा चुका हूँ। अब प्रायोरिटी क्यू जल्दी से हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट ही आता है बस लिखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा कुछ डेप्थ में इस टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। सो प्रायोरिटी क्यू बेसिकली इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन विच ईच एलिमेंट हैज़ बीन असाइंड अ प्रायोरिटी सच दैट द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर डिलीटेड एंड प्रोसेस कम्स फ्रॉम सम रूल्स। आप ये समझिए कि हर एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर एक मैंने बेसिकली प्रायोरिटी क्यू बनाई हुई है आपको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो कोई भी अगर एलिमेंट है उसमें प्रोसेसिंग हमें करनी है तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, दो रूल्स हैं, वो हमें देखना होगा। एक तो हर एक एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी उसकी दी गई होगी, ठीक है। एलिमेंट है उसके साथ प्रायोरिटी है, यहाँ पर आप देखो एलिमेंट है उसकी प्रायोरिटी है, यहाँ पर एलिमेंट है उसकी प्रायोरिटी P2 है, यहाँ पर एलिमेंट है प्रायोरिटी उसकी C एलिमेंट है प्रायोरिटी 2 है। इस तरह से हर एक एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी रहने वाली है। अब उसके दो रूल्स हैं जो कि मैंने अभी आपको स्टेटमेंट बोला था। सो इट इज़ द प्रोसेसिंग इज गवर्न्ड बाय टू रूल्स। पहला रूल ये कहता है कि एन एलिमेंट ऑफ हायर प्रायोरिटी इज प्रोसेस्ड बिफोर एनी एलिमेंट ऑफ लोअर प्रायोरिटी, मतलब प्रायोरिटी अगर हाई है तो उसकी प्रोसेसिंग पहले हो जाएगी। इसका मतलब क्या है और प्रायोरिटी कैसे देखी जाएगी? हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर वन पे, जैसे मेरे को, हम लोग नॉर्मली भी अपने टास्क रखते हैं कि मुझे नंबर वन पे ये प्रायोरिटी टास्क है, पहले ये करूँगा, फिर सेकंड में ये करूँगा, थर्ड में ऐसा मैं कोई ये काम करूँगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसका भी यही है कि फर्स्ट पे जो इसका प्रायोरिटी में कोई भी एलिमेंट है वो ये प्रोसेस करेगी। सेकेंड क्या है कि अगर मान लो दो एलिमेंट्स हैं जैसे PB और PC, ठीक है, यहाँ पर दो प्रायोरिटीज़ हैं B की और C की इक्वल हैं, ठीक है। इफ़ टू एलिमेंट्स हैव द सेम प्रायोरिटी देन द एलिमेंट्स आर प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे वर एडेड टू द क्यू। तो मतलब मान लीजिए अगर इसको मैंने पहले ऐड किया था और इसको थोड़ा नेक्स्ट इसको ऐड किया और दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो क्योंकि इसको पहले ऐड किया गया था तो इसको पहले हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसिंग बेसिकली वही डिलीशन या इसमें और कुछ आपको करना है क्यू के साथ, तो वो बेसिकली प्रोसेसिंग का मतलब है। मान लीजिए इसकी मेमोरी के साथ इसमें एलिमेंट आपको चेंज करना है या जो भी है, तो जो भी प्रोसेसिंग है यहाँ पर, सो प्रोसेसिंग का मतलब जैसे कि आपको कोई भी एडिशन करना है तो इसका मतलब मैं एडिशन जो है वो यहाँ पर करूँगा, ठीक है, B2 के लिए पहले करूँगा, जो क्योंकि जो आपकी प्रायोरिटी है वो दोनों की बराबर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि प्रायोरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ये दो रूल्स हैं जिनकी वजह से ये गवर्न होती है। अब प्रायोरिटी क्यू को हम लोग मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आप एक बार देखिए कि उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। जो ये पूरी एक नोड है, ठीक है, ईच नोड इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। एक फील्ड है इन्फो की, जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। एक है प्रायोरिटी नंबर PRN और एक है लिंक फील्ड, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। जो ये लिंक फील्ड है, दिस विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द एलिमेंट, ये आपकी लिंक है। ये आपकी PRN है जो आपकी प्रायोरिटी की का नंबर रखेगी और ये आपकी इन्फो फील्ड है। इस तरह से हम लोग जो है एक प्रायोरिटी क्यू को मेमोरी में इम्प्लीमेंट करते हैं। एस आपका पॉइंटर वेरिएबल है जो कि कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन द क्यू, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सिर्फ कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर
थ्योरेटिकली ही, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएगा इसमें, अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया है तो यही आप इंग्लिश में समझा कर लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ पर इसी वीडियो के साथ हमारा क्यू जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो डाटा स्ट्रक्चर का है वो हम देखेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको देखो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।